आराम से जाना। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम योर शिल्पा चौधरी एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड स्टेइंग सेफ। तो अभी फाइनली सुबह के बज गए हैं 5 और साहिल ने मुझको रेडी कर दिया है क्योंकि मेरी फ़्लाइट है और मुझे पहुंचना है बहुत जल्दी, क्योंकि आपको पता है कि 3 बैग हो चुके हैं और संभालने वाली सिर्फ एक है आप लोगों की, शिल्पा चौधरी। और साहिल और वूफी मुझे अभी छोड़ने जाएंगे क्योंकि काजल को भी मॉम डैड के साथ जाना है वृंदावन। तो फिर अभी पहले हम घर जा रहे हैं सबसे मिलने, उसके बाद सीधा एयरपोर्ट जाएंगे। और लगेज में 4-5 kg एक्स्ट्रा हुआ है तो इसका मुझे बड़ा दुख है और बहुत ही ज़्यादा दुख है। तो अभी देखेंगे वहाँ क्या सीन बनता है। थोड़ी सी रिक्वेस्ट कर लूँगी कि यार हर बार का थोड़ी होता है ऐसे कि आपका एक्स्ट्रा है तो इतना पे कर दो। तो अभी मैं चलते चलते आप लोगों से बातें करूंगी और बताऊंगी कि फाइनली ये सवारी कहाँ के लिए रेडी हुई है। और मैंने बहुत ही सिंपल से कपड़े पहने हैं, दिखा देती हूँ आपको। बिल्कुल मन नहीं था कुछ भी ऐसे पहनने का। ये वही स्लीपर्स हैं जो मैं ज़ारा से लाई थी, ये मैं ज़ारा से लाई थी और ये मेरा बर्शका का है फ्रॉम दुबई। और बस गाइज, अभी साहिल ने बोला कि बिल्कुल कम्फर्टेबल जाना है क्योंकि मैं सोई नहीं हूँ ना पूरी रात, तो मुझे फ्लाइट में बैठ ही सोना है। तो मेरे को बस ऐसे था कि साहिल ऐसे कपड़े पहनने हैं जिसमें कि अच्छे से ऐसे लगे कि नहीं बहुत अच्छे लगे, कंफर्टेबल ही फील हो। बस बाल थोड़े ऐसे कर लूंगी और स्टाइल अपना सही लगेगा, सही लगेगा। चलो अभी चलते हैं मॉम डैड के पास और फिर इन लोगों से, तो मैं रास्ता लंबा है, बात करूंगी बहुत सारी। ओके ओके, आ जा वुफू। अभी किया है इसने बहुत सारा सुसु, इसे आदत है। ऐसा क्यों, इसने तो उधर भी किया है, माफ करता है ना। ये क्या बात होती है, इसने लोन लिया हुआ है ईएमआई पे इंस्टॉलमेंट्स में सुसु करता है। चलो चलो, ये बेचारा भाग गया। तो गाइस, मैं पूरी फैमिली से मिल ली और मुझे बहुत अच्छा लगा। मम्मी तो थोड़ी इमोशनल हो गई थी, पर मुझे काजल से उम्मीद नहीं थी, वो तो रोने लग गई। मुझे फिर थोड़ा ऐसे हो गया यार, दिल भारी भारी हो गया पर सबका है बहुत अच्छा अच्छा। अभी हमारे फ्यूचर के बहुत सारे प्लान हैं और अभी तो देखो काम ज़रूरी था इसलिए मुझे अकेले जाना पड़ रहा है, क्योंकि साहिल का भी यहाँ पे एग्जाम्स है जैसे कि आप सबको पता है, लॉ कर रहे हैं। और काजल वृंदावन जा रही है मॉम डैड के साथ, तो सभी थोड़ा बिजी बिजी हैं। और विवेक का आपको पता ही है कि उसका थोड़ा सा वो अपना बिजनेस की तरफ उसका फोकस ज़्यादा रहता है, वो बिल्कुल भी इतना लंबे टाइम के लिए मेरे साथ नहीं जा सकता है। तो उसने भी यही बोला कि नेक्स्ट टाइम हम सब साथ जाएंगे, चाहे तेरा काम हो या तुझे घूमने जाना हो। तो मैं अभी आपको इसलिए बता रही हूँ कि अभी मैं अकेले जा रही हूँ गाइज, फाइनली सोलो। फाइनली गाइज, आप कह सकते हैं कि अब मैं सोलो ट्रिप पे जा रही हूँ। पिछली बार बड़े कमेंट आए थे कि ये कैसी सोलो ट्रिप है, आपके साथ तो काजल रानी है। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, पर अभी मैं अकेले जा रही हूँ और 3 बैग है मेरे पास मैं साहिल को यही बोल रही थी कि मैं 3 बैग कैसे संभालूंगी, कहते कहाँ संभालना होता है। अभी स्ट्रगल दिखाना है आपको, अब तो जो बनेगा सब कुछ रियल बनेगा और इन सबको दिखेगा। बाकी वहाँ के शूट्स के लिए ना 2 चीज़ें बड़ी ख़राब हो गई हैं, वो मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि जो मैंने आउटफिट्स आपको दिखाई थी कल के व्लॉग में वो बहुत 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 ज़्यादा हैवी थी। उसमें से मैं 5 में से कोई 2 ही ले जा पा रही हूँ और 3 में जो शूट्स था वो मैंने बोला कि भाई या तो मैं ये 5 ही आउटफिट ला सकती हूँ या फिर मैं अपने कपड़े ला सकती हूँ, क्योंकि अभी भी मेरा जो लगेज है ना वो 5 से 6 किलो एक्स्ट्रा हुआ है, 4 किलो भी नहीं हुआ है। रात तक 4 था पर सुबह फिर से 2-4 सामान उसमें मैंने ऐड कर दिया। अब देखी जाएगी जो बाकी मैं आपको बताती हूँ एयरपोर्ट पहुँचने के बाद। अभी हमारे पास है थोड़ा सा टाइम, हमें 6 बजे तक, कितने बजे तक पहुँचना था, 6 बजे तक, 6:30 तक पहुँच जाएंगे, पर इतना तो चलता है आगे पीछे। यार एक बार देखना क्या मस्त वेदर है, क्या सही बारिश होएगी, है ना। अरे मैं बताना भूल गई, मैं दुबई जा रही हूँ गाइस, दुबई। इस बार मैं वो नहीं कह रही हूँ कि आप लोग गेस करें, मैं दुबई जा रही हूँ पहली बता रही हूँ। अब कई लोग बोलेंगे अरे फिर से दुबई, तो कल से और आज के व्लॉग में यही रिपीट कर रही हूँ कि मेरे शूट्स हैं, कुछ काम है जिसकी वजह से मुझे जाना पड़ रहा है। पिछली बार हम लोगों ने घूमने में ज्यादा टाइम स्पेंड किया था और काफी सारी चीजें हमारी ऐसी थी। सच बताऊं दुबई की जो मेन चीजें है ना वो इन्होंने घूमे भी नहीं होंगे, फिर भी बहुत घूमी थी साहिल, मेन भी बहुत घूमी थी, लेकिन एक वो होता है ना कि घूमने में ही रह गए थे और बहुत सारी चीजें थी। जब पहली बार ऐसे जाते हैं और कुछ चीजें आपको अरेंज करनी होती हैं तो काफी टाइम वेस्ट होता है। इस बार कुछ ऐसा है नहीं, सीधा अपना मेरे जो काम है वो निपटाऊंगी और थोड़ा बहुत घूमूंगी भी तो काफी थोड़ा लंबा समय लगने वाला है, क्योंकि आने वाले टाइम में कुछ सरप्राइज भी आप लोगों को मिल सकता है जिसके लिए हम दोनों ही बहुत अच्छे से प्लानिंग कर रहे हैं। तो अभी तो बस पहुंच जाऊं, मैं आपको ये बोलूंगा कि उनका ना कल्चर थोड़ा एक्सप्लोर करना कि उनका कैसा है। मैं
ट्राई पूरा करती हूँ। इस बार मैं पूरे जोश में हूँ, बिल्कुल भी मैं कुछ स्किप करने का ट्राई नहीं करूंगी और मैं प्रॉपर हर दिन व्लॉग करूंगी इन लोगों के लिए। जो जो चीजें मेरा वहाँ पे जो भी इस बार का एक्सपीरियंस होगा वो भी अच्छे से शेयर करूंगी। और इस बार हमने सारी चीजें यहीं से अरेंज की हैं, तो वहाँ जाकर हमारा टाइम वेस्ट नहीं होने वाला है कि मुझे घर ढूंढना है या कुछ करना है। सब कुछ साहिल और यहाँ पे सब कुछ अरेंज हो गया है। आपके बार आपने नोटिस किया, लास्ट टाइम आप न्यू ईयर पे गए थे, अब की बार भी अच्छा फेस्टिवल है, बहुत अच्छा, अच्छे दिन चल रहे हैं ये वाले ना रमजान के। हाँ मतलब अभी वहाँ पे ईद भी है तो बहुत सारी चीजें होंगी अच्छी अच्छी। तो बस गाइज यही था कि मैंने आपको बताना था इसलिए बता दिया। गाइज अभी देखो यार, मतलब सुहाना सफर है ये मौसम हसीन। मुझे गाना आया नहीं वैसे, साहिल ने कंप्लीट कर दिया। बहुत ही सुंदर, बहुत सुंदर 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 ये हसीना बड़ी सुंदर सुंदर। साहिल जी अपना और वूफी का अच्छे से ध्यान रखना है। नहीं रखें रखना है नहीं तो दोनों की पिटाई हो जाएगी। अच्छे से खाना खाना है, मम्मा है ही, वैसे तो मम्मा आ जाएंगे वापस वृंदावन से जल्दी ही, वो बोल रहे थे, लेकिन कोशिश ये करना कि हेल्दी ही खाना है, ठीक है? और जो मन करे वो खाना है, कुछ ज्यादा सोचना नहीं है कि ये ना खाऊं वो ना खाऊं। मीठा थोड़ा सा अवॉइड करना है, कभी थोड़ा बहुत खा लेना, ठीक है? और बाकी बस दोनों अपना ध्यान रखना। एक वो मेरे पोपलू को देख लो। excited, excited. नहीं, excited तो क्या ही होना, बस जा रहे हैं। मैंने ऑन ही नहीं किया था। मैंने कैमरा ऑन ही नहीं किया था। वो अंकल ले गए। यार गाइस वो अंकल ले गए ट्रॉली यहाँ से। कुछ भी हो तो हेल्प मिले, कुछ टूटा है कोई प्रॉब्लम हो तो हेल्प ले लेना। हाँ जी और ऐसे ही चल लेते तो क्या बिगड़ जाता आपका। चलो गाइस बस बाय बोल रही हूँ, आराम से जाना, आप ध्यान रखना। ये इधर क्यों करा रहे हैं आप? वहाँ पे क्या करो? अच्छा थैंक यू, थैंक यू सो मच। बाय गाइज एंड थैंक यू सो मच। बाय। सबसे मेन थैंक यू तो मुझे इनका बोलना है, आपका नाम क्या है? संजय। संजय गाइज पता है इन्होंने इतनी हेल्प किया ना यहाँ पे मेरी। वैसे संजय भैया आप कहाँ से हैं? राजस्थान से। राजस्थान से? राजस्थान जयपुर। अच्छा आप ब्लॉग देखते हैं? हाँ देखता हूँ मैं। सही लगते हैं? सही लगता है। थैंक यू। तो गाइज हर बार मैं सोचती हूँ कि मैं कैसे करूँगी कैसे करूँगी, लेकिन कोई ना कोई फरिश्ता बन के ना भगवान जी भेज देता है, तो आज भेजा संजय भैया को, पूरा व्लॉग इनको डेडिकेट कर दिया मैंने। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ अभी। बाय, थैंक यू। सो गाइज फाइनली चेक इन, इमिग्रेशन सब कंप्लीट हो गया है और अब मैं जा रही हूँ ड्यूटी फ्री में। कोई सामान लेने की हालात में नहीं हूँ क्योंकि ऑलरेडी 5 से 6 किलो वेट एक्स्ट्रा है लगेज में। सो गाइस सब कुछ होने के बाद अभी लग गई है भूख, तो यहाँ पे है आपका फूड कोर्ट या फिर लाउंज भी आप कह सकते हैं, जिसमें आप बैठकर अच्छे से खा पी सकते हैं। सो गाइस यहाँ बैग रख रही हूँ और वहाँ जाना है खाना लेने, तो देखते हैं क्या क्या है खाने में, फिर अपना बैठकर आप लोगों से बात करूँगी।
गाइज ये है मेरा ब्रेकफास्ट, पता नहीं मैं क्या ले आई हूँ, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। तो ये स्ट्रॉबेरी कर्ड है और ये डोसा है, ये मैंने कुछ फ्रूट्स लिए हैं और एक यहाँ पे मैंने मफिन लिया। तो पहले कुछ खा पी लेती हूँ और अभी तो थोड़ा ये गर्म है और अभी मैं साहिल को वीडियो कॉल करने वाली हूँ कि मेरा सब कुछ अच्छे से हो गया है। यहाँ पे मुझे 2 आवर्स का एक्सेस मिला है जिसमें आप कुछ भी खा पी सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मैंने तो बस लाइट सा ही कुछ लिया है और अगर मुझे लगा कि भूख लग रही है तो कुछ और भी देख लेंगे, वैसे मैं इतना खाती नहीं हूँ। और मुझे बताना था गाइस, जितना हमने एक्सपेक्ट किया था ना कि मेरा लगेज का वेट इतना एक्स्ट्रा होगा, सोचो हमने घर पे कितनी बार उसको मेजर किया था लेकिन फिर भी एक्स्ट्रा निकला। और साहिल ने रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दी थी, अगर 1 kg आपका 1 kg के अकॉर्डिंगली अगर मैं आपको चार्जेस बताऊं तो 1400 बनते हैं इंटरनेशनल में, जो आपको पे करना पड़ता है। और अगर आप डोमेस्टिक में जाते हो तो उसका रहता है 650 रुपीज़। तो साहिल ने मुझे 650 बोला था तो मुझे लगा अगर मेरा 4-5 kg एक्स्ट्रा है तो उसके हिसाब से पे कर दूंगी, लेकिन 1400 के हिसाब से पे करना पड़ता है इंटरनेशनल में। तो बस ये एक्स्ट्रा लगेज कभी नहीं लेकर आना चाहिए क्योंकि आपके पास कोई गुंजाइश नहीं होती है कि आप वहाँ जाकर कुछ ले आओगे, फिर तो ये मतलब डबल से भी ट्रिपल आपको पे करना पड़ जाएगा। तो चलो कोई नहीं, एक और एक्सपीरियंस मिला लेकिन अच्छे से समझ आ गया है मुझे। बोर्डिंग कार्ड और खुले पासपोर्ट को निरीक्षण के लिए तैयार। गाइस फाइनली मैं पहुंच गई थी दुबई और मैं आते ही सो गई, मुझे बहुत तेज नींद आ रही थी और अभी बज गए हैं शाम के 7। लेकिन ये व्लॉग मैं यहीं एंड करूंगी क्योंकि अभी मुझे बहुत सारी चीजें करनी है। मुझे आपको ये पूरा जो मैंने यहाँ पे घर लिया है उसका पूरा हाउस टूर भी देना है और प्रॉपर इसके लिए मुझे थोड़ी सी शॉपिंग करनी है। तो अभी मुझे जाना है, थोड़ा सा ना जगह के बारे में सर्च कर लूँ नीचे कहाँ पे खाना मिलेगा कहाँ पे नहीं। वैसे तो मैंने जो ये घर लिया है ना इसमें किचन भी है और इस बार मैंने बहुत सोच समझ के मतलब जो है चीज़ें की हैं तो मुझे परेशान नहीं होना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे जैसे दुबई में रमदान है और आपको पता ही है कि रमदान में कुछ चीज़ें, जैसे पहले क्या होता ना मैं और काजल किसी भी कैफ़े में चले जाते थे तो मुझे बहुत सारी चीज़ें यहाँ की अभी पता नहीं है, तो कि रमदान में कैसे रूल्स होते हैं क्या होता है। तो मैं, मेरी एक फ्रेंड है वो आ रही है, हम लोग नीचे जाएंगे डिनर करेंगे, फिर उससे मैं चीज़ें समझूंगी कि कहाँ पे मैं कैसे शॉपिंग के लिए जा सकती हूँ, मेरे यहाँ से कौन कौन सी चीज़ें पास हैं। तो अभी कल के व्लॉग में मैं आपको जल्दी ही मिलूंगी और डेली ही व्लॉग आएंगे, कोई भी एक भी दिन मैं स्किप नहीं करूंगी और बहुत अच्छे से मैं आ गई थी। बाकी कल वाले व्लॉग में बहुत सारी बातें करेंगे और जो जो चीज़ें रह गई हैं वो मैं आपको बता दूंगी। तो अगर ये व्लॉग आपको पसंद आया हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।